CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है दसवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो। पेश है दसवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का बारहवां पाठ। मोहम्मद तुफैल, सफा नंबर 95, तारुफे खाका निगार। मोहम्मद तुफैल, पैदाइश 1923, इंतकाल 1986। मोहम्मद तुफैल मारूफ अदबी रिसाले माहनामा नकूश लाहौर के मुदीर थे। नकूश उर्दू के मशहूर और मयारी जरीदों में शुमार होता है। नकूश का एक अहम इम्तियाज उसके ज़खीम खास नंबरों की वजह से है। आप बीती नंबर, लाहौर नंबर, मंटो नंबर, पितरस नंबर, शख्सियात नंबर और सबसे ज्यादा रसूल नंबर की वजह से हमारी अदबी सहाफत की तारीख में नकूश का मर्तबा बहुत बुलंद है। नकूश 1948 से जून 1986 तक मोहम्मद तुफैल की इदारत में शाये होता रहा। मोहम्मद तुफैल एक अच्छे मुदीर होने के साथ साथ एक कामयाब खाका निगार भी थे। उनके लिखे हुए खाकों के मजमुए मखदूमी, महबी, मुअज्जिम, मुकर्रम, मोहतरम, आप, जनाब और साहब के नामों से किताबी सूरत में शाये हो चुके हैं। मोहम्मद तुफैल का मुशाहिदा गहरा था। साफ गोई, बेबाकी और बयान की रवानी उनकी तहरीरों के औसाफ हैं। खाका जिगर साहब मोहम्मद तुफैल की किताब साहब से माखूज है। सफा नंबर 96, खाका जिगर साहब। अब पेश है खाका निगार मोहम्मद तुफैल का खाका जिगर साहब। टेका टेक दोपहरी थी, वो भी लखनऊ की। मैं खूब मजे से सोया हुआ था, इसलिए कि पंखा और पसीना साथ साथ चल रहे थे। अहले लखनऊ की तरह न धूप में लताफत थी न नजाकत। न जाने अल्लाह मियाँ ने धूप के सिलसिले में लखनऊ वालों के शायराना मिजाज का ख्याल क्यों नहीं रखा। धूप के साथ लू भी सोने पे सुहागा। हालांकि चाहिए ये था कि वहां के रहने वालों के मजाक के मुताबिक हल्की सी धूप होती, जिसे अहले मजाक प्यार में धूपिया कहते। लखनऊ की सरजमीन ही ऐसी है कि वहां आपको कदम कदम पर शायर मिलेंगे। बाज़ दानिश्वरों का ख्याल है कि वहां सब सोते और जागते में शेर ही कहते हैं और शेर ही सुनते हैं। वहां पहुंचकर मुझ पर भी यह असर हुआ कि सोते ही सोते शेर सुने। उनमें से एक शेर मैं आपको बिला तरन्नुम सुनाता हूं। अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस का काम नहीं। अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस का काम नहीं। फैजाने मोहब्बत आम सही, इरफाने मोहब्बत आम नहीं। मैं बेदार होने के मूड में ना था, लेकिन इस शेर के साथ जो तरन्नुम था उसने कुछ कुछ आंखें खोल दी। फिर दूसरा शेर नीम बेदारी की हालत में आधा सुना आधा ऊंग लिया। तीसरे शेर ने खासा चौंका दिया। रफ्ता रफ्ता नींद गायब थी और मैं बेदार। पहले ख्याल आया कि शौकत थानवी साहब अपने अशार जिगर साहब की लय पर पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उन दिनों मेरा कयाम शौकत साहब के यहां था। लेकिन इस बात का फैसला जल्दी ही कर लेना पड़ा कि अशार जिगर साहब ही के हैं। इतने में शौकत साहब ने आवाज दी, अरे भाई तुफैल, जाग रहे हो, इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाएं। मैं उठकर दूसरे कमरे में आया तो चीज के बजाय जिगर साहब को देखा। शौकत साहब ने जिगर की तरफ इशारा करके कहा, आप इन्हें जानते हैं?
जी हां। शौकत साहब को मेरा सिर्फ जी हां कहना पसंद ना आया, इसलिए उन्होंने बात बढ़ाई। भला कौन है? जवाबन गुजारिश की के इन्हें तो सब जानते हैं लेकिन ये सबको नहीं जानते। इस पर जिगर साहब के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट खेल गई और शौकत साहब से मेरे मुतालिक पूछा, आपकी तारीफ? मैंने सोचा कि मेरा तारुफ कोई दूसरा क्यों कराए, अपना भरम ये कहकर रख लेना चाहा कि जी मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। सफा नंबर 97। ये था मेरा जिगर साहब से पहला बाकायदा तारुफ, मगर जिगर साहब के शेरी कारनामे अमिट हैं। जिगर साहब ने खुद अपने हाथ से शेरी अदब की तारीख में अपना नाम जली हुरूफ से लिख दिया है और ये किसी के मिटाए मिटने वाला नहीं। अच्छा इंसान ही अच्छे शेर कह सकता है, ये बात किसी और के लिए सही हो या ना हो, जिगर साहब के सिलसिले में गलत नहीं कि सच्चे शायर का माहौल से मुतासिर होना लाजमी है। जिगर साहब की सोच और उसके इजहार और अमल में तजाद नहीं, खोज लगाने से कोई ना कोई कमजोरी उनमें मिल ही जाएगी। मैं भी नहीं चाहता कि हम अच्छे भले इंसान को फरिश्ता कहकर उसकी तजलील करें, लेकिन खोज लगाने की जरूरत ही क्या है? अगर खोज लगाना ही है तो मुकाबलतन खोज लगाइए और फिर देखिए कि जिगर साहब कितने ऊंचे मकाम पर हैं। जिगर साहब बड़े खुश मजाक हैं, हर वक्त बाकरात बने नहीं बैठे रहते, दोस्तों को देखकर खिल और खुल जाते हैं, बातों बातों में कोई ना कोई फकरा चिपका ही देंगे, फिर खिलखिलाकर हंसेंगे, फिर जरा सी हंसी को रोकेंगे और ऊं कह के फिर से हंसेंगे और खूब हंसेंगे। एक महफिल में जिगर साहब शेर सुना रहे थे और एक साहब बेनियाज से बैठे थे। एक शेर पर उन्होंने एकाएकी और बेसाख्ता दाद दे डाली। जिगर साहब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, आपके पास कलम है? जी क्या कीजिएगा, मेरे शेर में जरूर कोई खराबी है वरना आप दाद ना देते, इसलिए इसे मैं अपने दीवान से खारिज करना चाहता हूं। जिगर साहब रोज बरोज फलसफी और वली अल्लाह बनते जा रहे हैं, हर बात को फलसफियाना रंग में सोचेंगे, मजहबी रंग में उस पर तबसरा करेंगे। जिगर साहब अपनी बातों में बाज अवकात ऐसे डूब जाते हैं कि दूसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, अगर दूसरे के पल्ले कुछ पड़ गया तो समझिए कि मजा आ गया। उनकी बातें गजल के शेर होती हैं, जिस तरह गजल के शेर अपने मफहूम के एतबार से अलहदा अलहदा हैसियत रखते हैं, उसी तरह जिगर साहब की बातों का मसला है। गुफ्तगु में इजाफतों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालूम होता है कि बातें किसी पढ़े लिखे इंसान से हो रही हैं। उन्हें इस बात का बड़ा सदमा है कि लोग उनकी दावतें करते हैं और फिर कीमत वसूल करने के लिए उनसे शेरों की फरमाइश करते हैं। अगर उनकी कोई चीज चोरी हो जाए तो ये कहते हैं कि अगर चोर साहब मुझसे पूछ लेते कि जिगर साहब मुझे आपकी फलां चीज की जरूरत है तो मैं चोर साहब से कहता कि ले जाओ। सफा नंबर 98। जिगर साहब अव्वल तो बहुत कम लोगों को खत लिखते हैं, लेकिन जिन्हें लिखते हैं उनमें से हर एक के खत का मजमून करीब करीब यकसा होता है, वही खुलूस, वही मोहब्बत, वही यगानगी हर एक से एक सतह पर मिलेंगे, ख्वाह कोई गवर्नर जनरल हो ख्वाह कोई मामूली क्लर्क, ये बात हर एक में कहा। मशरकियत उनकी रग व पै में मौजज़न है, किसी के यहां मिलने जाएंगे तो उसके बच्चों के लिए मिठाई
फल या खिलौने जरूर लेकर जाएंगे। तबीयत में जमाव नहीं, जरा सी खिलाफ तबीयत बात हुई तो समझिए कि आ गई शामत। अहबाब से मिलने में पहल करते हैं। जिगर साहब घर के बजाय सफर में रहते हैं। उन्होंने इतना सफर किया होगा कि अगर वो तमाम आदाद व शुमार जमा कर लिए जाएं, तो मजमूई हैसियत से उन्होंने मुतअद्दिद बार तमाम दुनिया का सफर कर लिया होगा। जिगर साहब हर बात में नफासत पसंद हैं। नफासत उनकी जिंदगी है। बज़ाहिर उनकी नफासत पर कोई जिंदगी नहीं बरसती। यही वजह है कि किसी ने पहली बार उन्हें किसी मुशायरे में पढ़ते हुए सुना तो उसने बाआवाज बुलंद कहा कि जितने ये बदसूरत हैं पढ़ते हुए उतने ही खूबसूरत मालूम होते हैं। अलबत्ता जिनकी नजरें उनके चेहरे से हटकर उनके दिल को भी टटोल आती हैं, वो चेहरे के भद्दे से सियाह रंग को भूल जाते हैं। जिगर साहब हकीकत में बड़ी भूल भुलैया हैं। उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। आपका उनका हफ्तों साथ हो जाए, इत्तेफाक से दरमियान में दो चार बरस मुलाकात ना हो तो वो आपको करीब करीब भूल जाएंगे। दोबारा मुलाकात पर जब आप उनसे कहेंगे कि जिगर साहब पहचाना, तो वो कहेंगे भाई कुछ आंखें मानूस हैं, इस वक्त याद नहीं आ रहा है कि आपसे कहां मुलाकात हुई थी। अब उन्होंने याददाश्त का ये तरीका निकाला है कि एक डायरी पर लिखते रहते हैं। लेकिन बुरा हो याददाश्त का कि अब ये भी पता नहीं कि डायरी कहां रखी है। हिफ्ज़े मा तकद्दुम के लिए वो अरसे से अपने साथ एक मददगार रखते हैं, इसके बावजूद वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनके यूं खोए खोए रहने से कई लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। ये अपनी सैकड़ों चीजें गुम करते रहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मैंने लखनऊ में ये बात सुनी कि कल जिगर साहब का बटुआ गुम हो गया है और उसमें 1,200 रुपए थे। चुनांचे भोपाल हाउस इस हादसे के अफसोस के लिए पहुंचा और मैंने पूछा, अब आपको कुछ मालूम नहीं कि वो बटुआ कैसे और कहां गुम हुआ? कहने लगे, मुझे सब कुछ मालूम है। कल एक साहब से चलते चलते मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ी न्याजमंदी का इजहार किया। मैंने सोचा कोई मिलने वाला होगा। बाजार से कुछ सौदा सुरुफ खरीदा, फिर तांगे में बैठे और यहां आ गए। रास्ते में उन साहब ने मेरी जेब से कुछ निकाला। मैंने सोचा मुझे कुछ बदगुमानी हुई है, ये बात नहीं हो सकती। जब जेब को टटोला तो बटुआ गायब था। मैंने अपना बटुआ उनके पास अपनी आंखों से भी देख लिया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे, अगर मैं उनसे ये कहता कि मेरा बटुआ आपने चुरा लिया है तो उस वक्त जो उसे पशिमानी होती वो मुझसे ना देखी जाती। दास्तां ख्वाह मखा तवील हो गई, वरना बात तो दो सत्रों में हो सकती थी। वो यूं के जिगर साहब की शख्सियत ने मुझे बाहैसियत इंसान के इतना मुतासिर किया है कि ऐसे लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ये मेरी भी बदकिस्मती है और माहौल की भी। मोहम्मद तुफैल, सफा नंबर 99, मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, खाका निगार पहली मर्तबा जिगर साहब से किस तरह मुतारुफ हुआ? सवाल नंबर 2, लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने क्या बात कही है? सवाल नंबर 3, खाका निगार ने क्यों कहा है कि जिगर साहब की बातें गजल के शेर होती हैं? सवाल नंबर 4, जिगर साहब की शख्सियत के किस पहलू से आप मुतासिर हुए, बयान कीजिए। इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ और ये किताब खत्म हुई। इसी के साथ
दसवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू का इख्तिताम होता है। अभी आप सुन रहे थे गुलजारे उर्दू भाग दो का 12वां और आखिरी पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT।